नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो है यार हमारी बीजेएमसी पुणे के बारे में। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि यार इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है इस मेडिकल कॉलेज के नेम का। यहाँ पे तुम्हारे सामने इस मेडिकल कॉलेज का नेम है भाई, मेरे को नहीं पता, तुम बाद में मेरा मजाक उड़ाने वाले हो अगर मैं इसको बोल के बताऊंगा। तो भाई महाराष्ट्र का ये मेडिकल कॉलेज है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया इस मेडिकल कॉलेज को कवर करिए, तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में इस मेडिकल कॉलेज के बारे में सब कुछ कवर होने वाला है। तुम्हें कितने नंबर पे एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या रैंक है इसकी, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो भैया अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स की, तो यार ये 1964 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, तो बहुत ही पुराना ये मेडिकल कॉलेज है। कम्प्लीटली गवर्नमेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है। इट इज़ एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से एंड अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन से। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में, तो भैया यहाँ पे यूजी में MBBS है, ठीक है, BSc नर्सिंग भी है, डिप्लोमा कोर्सेज है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल। अगर तुम चाह रहे हो कि सेपरेटली एक वीडियो होनी चाहिए डिप्लोमा कोर्स के बारे में, तो कमेंट में बताएगा, कर देंगे भाई वो भी। PG कोर्सेज में देर आर 21 कोर्सेज, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, एंड इवन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में भी यहाँ पे 4 कोर्सेज अवेलेबल है। तो कोर्सेज वाइज आई डोंट सी एनी इश्यू यहाँ पे। और बाकी अगर तुम्हारा कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस दैट। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी एड्रेस की, तो भैया पुणे के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र में है। जो पुणे रेलवे स्टेशन है वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे इस मेडिकल कॉलेज से, एंड अप्रोक्स 450 मीटर्स की डिस्टेंस पे आई है। तो लोकेशन वाइज यार ये मेडिकल कॉलेज बहुत ही परफेक्ट है, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हम बात करें MBBS कोर्स के बारे में, तो नीट यूजी इज गॉड फॉर दिस मेडिकल कॉलेज, तो भैया नीट यूजी की तैयारी करो, मिल जाएगा, ठीक है। MBBS के तुम्हारे लिए यहाँ पे 250 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो भैया 1,25,700 रुपये तुम्हारी यहाँ पे पर ईयर की फी रहने वाली है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम की जा सकती थी, बट आई एम नॉट श्योर यार, मे बी गवर्नमेंट, बट ठीक है यार, ओवरऑल एजुकेशन लेवल एंड वो सब अच्छा होना चाहिए, फी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो भैया ये ऑल इंडिया काउंसिलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स है ईयर 2022 एंड ईयर 2023 के लिए। देखो मैं इंडिया का मैप लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें अगर मैप नहीं आता तुम इससे देख के समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र ये है भाई, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो 656 थे 2022 के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर, इंक्रीज होकर 660 हो जाते हैं 2023 में। SC के थे 580 और ये हो जाते हैं 597 नंबर। OBC के थे 649 ये हो जाते हैं 660 नंबर। ST के थे 536 और 2023 में हो जाते हैं इंक्रीज होकर 558। जनरल वालों 670 से 676 हो गए, और तुम देखो ST वालों 558 पे ले रहे हो भाई, और फिर भी तुम बोलते हो कि ये नहीं है, गलत बात है। और जनरल फिजिकल हैंडीकैप के 331 नंबर गए थे 2023 के अंदर। तो यार ये पहली काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स है बेसिकली, ऑल इंडिया काउंसलिंग, माफ कीजिएगा। तो ध्यान से समझ लो यार तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करते हैं हम महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के स्कोर्स की, तो यार ये सारी की सारी कैटेगरीज लिस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो ST के 450 थे 2022 में, 490 हो जाते हैं 2023 के अंदर, ठीक है। एंड ये बाकी सारी यहाँ की लोकल कैटेगरीज हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी कास्ट के लिए क्या है, बट हाँ यहाँ की लोकल कैटेगरीज हैं ये सारी। जैसे देखो NTC में 617 थे, 635 थे, GNDF1 में 600 थे, 651 थे। तो भाई तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो ना, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से समझ लो तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला। जो बाकी कैटेगरीज बच जाती है वो यहाँ पे मेंशनड है, सारे के सारे यहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स भी मेंशनड है, तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें अच्छाज्ञान.com की, तो भैया अब हम YouTube के साथ साथ वेब पे भी अवेलेबल है, तो अपनी वेबसाइट है www.अच्छाज्ञान.com। अगर तुमने अभी तक भी नहीं देखी है तो कौन गूगल एंड सर्च www.अच्छाज्ञान.com। तो जैसे तुम अगर इस कॉलेज को भी देखोगे ना, तो यहाँ पे जितना कंटेंट यूट्यूब पे होता है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स कंटेंट ज़्यादा होता है इस वेबसाइट के ऊपर। ऑल दो बहुत ही लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस अभी अवेलेबल है, तो बट यू कैन चेक दिस वेबसाइट एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि भाई कौन सा कॉलेज अगला ऐड करना है इस वेबसाइट के ऊपर, तो ठीक है। तो अगर अभी तक भी चेक नहीं किया तो चेक कर लो, नहीं पता कैसे करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से चेक कर लो। ये कुछ पिक्स है इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस की, तो ये हमने पहले भी देख लिया था, तो कुछ इस तरह का कैंपस है। एंड थोड़ा सा तुम दूर से जाते हो तो कुछ बैक साइड से इस तरह का दिख रहा होता है, आई थिंक ये बैक साइड ही है, बाकी तो जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली बता सकते हैं।
सो ओवरऑल यार कैंपस मुझे इसका ठीक ठाक लगा, ये भी इसका कैंपस है एंड ये इनके बेसिकली क्या बोलते हैं फेयरवेल वगैरह हो रही होती है, लास्ट फाइनल जो सेरेमनी हो रही होती है उसका ये पिक है। तो ओवरऑल यार ये मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तुम्हें कैसा लगा वो जरूर बता। अब अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज के रैंकिंग की तो ऑल इंडिया रैंक है इसकी 30, ठीक है, एंड स्टेट रैंक है इसकी नंबर 2। तो रैंकिंग वाइज तो कोई कमी है ही नहीं इस मेडिकल कॉलेज में और तुम बता भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैंने पहले ही बोला था तुम्हें ये मेडिकल कॉलेज सही है भाई, सब आता है, ठीक है। बात करें अगर हम बॉन्ड एंड स्टाइफंड की तो यहाँ पे 2 साल का तुम्हारा बॉन्ड रहने वाला है एंड स्टाइफंड है तुम्हारा 11,000 रुपये पर मंथ। तो यार बॉन्ड तक तो ठीक है, स्टाइफंड तो बाकी स्टेट्स में भी तुम राजस्थान में भी देखोगे तो भी 20+ है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स है यार जहाँ पे 20+ मिल रहा होता है स्टाइफंड, ठीक है। तो स्टाइफंड यहाँ पे कम है यार, तो तुम लोग कमेंट करो, गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, इसको रेज करो, जो करना है करो भाई, स्टाइफंड तो मिलना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।